अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं सब्जी की रेसिपी। उम्मीद है कि मेरी ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। चैनल पे हर तरह की सब्जियाँ बनाई जाती हैं। जिस तरीके से आज मैं घिया तोरी की रेसिपी बनाऊँगी, इसी तरीके से बनाइएगा, घर वाले आपकी तारीफ करेंगे। वैसे तो सब सब्जियाँ मौसम के लिहाज से अच्छी हैं, मगर कुछ सब्जियां ऐसी हैं कि वो जो तसीर में वो ठंडी होती हैं, उनको इस मौसम में खाना चाहिए। जैसे कि या तोरी है, कद्दू है जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा सब्जी है, और उसके बाद एक भिंडी है, और इस तरह की सब्जियां आप इस मौसम में खाया करें। गर्मियों के मौसम में ये ठंडी होती हैं। घिया तोरी की आज रेसिपी उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे नए देखने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन क्लिक करें, ताकि हर नई रेसिपी आप तक आसानी पहुंच सके। लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद कीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता दूं। ये मेरे पास हाफ के जी मैंने ली है घिया तोरी। ये मेरे पास 2 टमाटर हैं, मैंने बारीक काट लिए हैं। ये मेरे पास 1 टेबल स्पून मैंने लिया है भर के ने बस लेवल पे अदरक लहसुन का पेस्ट। ये 3 हरी मिर्चें हैं मेरे पास, और ये 1 स्मॉल सा प्याज मैंने बारीक बारीक काटा है। आज हम सब्जी बना रहे हैं, इसलिए मैं ये आप देखें मैं कौन कौन से मसाले डाल रही हूँ। मेरे कहने पे आप सब्जी में ये मसाले डालें, आपकी सब्जी बहुत टेस्टी बनेगी। ये मेरे पास लाल मिर्च है, 1 टीस्पून मैंने डाला है। ये सूखा धनिया 1/2 टीस्पून है। ये हल्दी 1/2 टीस्पून है। यह गर्म मसाला 1/2 टीस्पून है। यह दड़ा मिर्च है मेरे पास 1 टीस्पून, और ये नमक है 1/2 टीस्पून। चले अब हम स्टार्ट करते हैं। ये मैंने ऑयल डाला है, तकरीबन ये 4-5 चम्मच मैंने ऑयल डाला है। अब हम प्याज डालेंगे इसमें बिस्मिल्लाह। प्याज हमें ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। बस ये देखें, हमने इस हद तक प्याज को सोते करना है, ब्राउन बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि सब्जियों में प्याज को ब्राउन नहीं करते। जो शोरबे वाली बनाते हैं ना, उसमें हम थोड़ा सा ब्राउन कर लेते हैं। ये खुश्क सब्जियों में ब्राउन प्याज नहीं करते। अब हम इसमें ये लहसुन और अदरक का पेस्ट डाला हमने, साथ ही हम ये टमाटर डाल देते हैं। बस अब हमने इसे तकरीबन 1 मिनट के लिए भून लिया है। टमाटर हमारे नरम हो चुके हैं। अब हम इसमें ये सारे मसाले डालेंगे। आप सब्जियों में धड़ा मिर्च डाल के डालें, क्या टेस्ट निकलता है सब्जियों का, सालन का, ज़बरदस्त। मैं तो ज़रूर डालती हूँ। बिस्मिल्लाह। आधी मिर्च पीसी हुई डालें, आधी धड़ा मिर्च डालें, हल्दी डालें, सूखा धनिया डालें, नमक, और माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त मसाला। अब हम थोड़ा सा इसमें पानी का छींटा दें। ये सब्जी डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार याद रखें आप जहन में कि आपने इसमें पानी नहीं डालना, बिल्कुल पानी नहीं। इसमें खुद इतना पानी होता है कि जब हम इसे दम पे लगाएंगे तो खुद ब खुद ये गल जाएगी सब्जी। मैंने इसे भून लिया तकरीबन थोड़ी देर के लिए। अब ये देखें, पानी देख रहे हैं आप नीचे, ये देखें, ये हरी मिर्चें काट के डाल देते हैं हम, काट के डाल देंगे, और हम दम पे लगा देंगे तकरीबन 5-6 मिनट के लिए। फ्लेम मैंने लो कर दी है। चलिए व्यूवर्स चेक करते हैं हमारी सब्जी कहाँ तक पहुँची है। माशाल्लाह, अब ये देखें, ये गल चुकी है। अब हम फ्लेम को ज़रा तेज रखेंगे। अब धनिया डालेंगे थोड़ा सा, सब्जी में धनिया, दालों में, सब्जियों में ज़रूर डाला करें, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है।
अब व्यूवर्स मैंने ये हाफ नींबू लिया है, ये मैंने अब इसमें डालना है। फिर आप देखें इस सब्जी का मज़ा, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अगर आपको कम लगे तो आप और भी डाल सकते हैं। अब हम इसको थोड़ी देर इसी तरह भूनते हैं। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। रेसिपी हमारी रेडी है, उम्मीद है कि ये आपको सब्ज़ी बहुत पसंद आएगी, घर में आपने ज़रूर ट्राई करनी है और फिर मुझे कमेंट्स करने हैं कि आपको ये कैसी लगी रेसिपी। चले नेक्स्ट टाइम नई रेसिपी के साथ जल्द हाज़िर होंगी। इजाज़त चाहती हूँ, खुदा हाफिज़।